सुबह आपको जो क्लास है उसमें बताया गया था पर्यावरण क्या है, और एक विस्तार पूर्वक जो जानकारी दी गई पर्यावरण और हमारे पृथ्वी और हमारे आसपास की चीजें हैं उससे रिलेटेड। तो आपके पर्यावरण अध्ययन का जो कोर्स है उसमें एक टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों के बगैर हमारा जीवन यापन करना तार्किक रूप से संभव नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आप सभी को मैं ये जानना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें हम पर्यावरण के द्वारा हमको जो हमारी डे टू डे लाइफ है उससे संबंधित तमाम चीजें हमको प्रकृति ने दी है। मटेरियल्स वी यूज फ्रॉम नेचर सच एज विंड यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जीव जंतु और फॉसिल फ्यूल, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हम नेचर से उसका यूज करते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, और इन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना लाइफ जीवन यापन करना इस पृथ्वी में यथासंभव नहीं हो पाता। तो ये जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हवा, जल, पानी, मिट्टी, लकड़ी और आपका आपका ईंधन, ईंधन के रूप में मैं कहूँगा पेट्रोल है, ऑयल्स हैं, आपके एसेंशियल ऑयल्स हैं, आपके जो मिट्टी है, मिट्टी में जो रासायनिक क्रिया, जो नेचुरल साइकिल्स क्रिएट होते हैं, वो सब इन नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें जो कैटेगराइजेशन है डिफरेंट लेयर्स का, वो मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं। आपका एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा, आपको जैसा कि चित्र में दिख पा रहा होगा, एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा हवाई क्षेत्र है, एयर एरिया है। उसके अलावा बात आता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि हाइड्रो यानी कि जल, यानी जो आपका जलीय आवरण है। उसके बाद आता है लिथोस्फीयर यानी जो हमारा जमीन से जुड़ा आवरण है पृथ्वी का, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। और जो हमारा बायोस्फीयर है यानी आपके आसपास का जो क्षेत्र है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो इन्हीं चार बिंदुओं पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि चार चार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन चार कंपोनेंट में आपके आते हैं और जिसका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आपस में संबंध दिखाना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से, पृथ्वी और पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उसका मानव किस प्रकार से यूज करता है और क्या क्या रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्राणी के लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, और मेटाबॉलिज्म जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो ऑक्सीजन के बिना परिपूर्ण नहीं हो पाती। ऑक्सीजन फॉर जो वाइल्ड में फौना हमारा मिलता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे यूज होते हैं, मतलब एक तरह से हम कहें तो हमारे जीवन का जो श्वसन की क्रिया है या अन्य तरह से जो अन्य गैसेस हैं जो हमको एटमोसफेयर में मिलती हैं, जिसका हम अन्य गैसों के भी जो हमारे उत्पाद हैं या अन्य रूप से हम लोग उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं, वो हमको एटमोसफेयर से मिलते हैं। नंबर दो हमारा जो आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि हमारा जो जलीय आवरण है, इसमें सबसे पहले हमारा मुख्य रूप से जो आता है आपका ड्रिंकिंग वाटर। हमारे पृथ्वी में जो जल है, जो पीने योग्य जल है, उसका यूज हम एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में यूज करते हैं। वाटर फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग, आपका खाना बनाने में जल यूज होता है, आपका कपड़ा धोना और तमाम तरह के अन्य जो जल के कार्य होते हैं। फिर आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर पे। बिना सिंचाई के यानी इरिगेशन के आपकी
जो जल जल के बिना ये संभव नहीं हो पाता है आपका एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रीज जो आपकी आसपास में इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी जल का यूज है। इसके अलावा जो फूड रिसोर्सेज हैं फ्रॉम समुद्र, यानी कि समुद्र से जो आपके फूड रिसोर्सेज हैं लाइक फिश, बहुत से लोग जो मांसाहारी होते हैं वो फिश फूड वगैरह लेते हैं, और अदर जो सी एनिमल जो इडेबल होते हैं वो हमको किससे मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग फिश एंड एक्वेटिक प्लांट, और साथ ही साथ जो माउंटेन यानी पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ से जो पानी का बहाव हमारी नदियों के द्वारा आता है, तो वहाँ पर आप जानते हैं उत्तराखंड के मैं परिप्रेक्ष्य में अगर आपको बताना चाहूँ तो टिहरी एक डैम है। टिहरी डैम ने क्या किया होगा, आपका जो भागीरथी और अन्य सहायक नदियों का जो तो भी पानी इकट्ठा होता है उस डैम के थ्रू हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर। तो ये भी एक रिसोर्सेज है कि हम पानी से बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ जो जलीय आवरण है जिससे आपको आप जिससे आप जो उसके रिसोर्सेज हैं जल के वो आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी तीसरी लिथोस्फेयर, यानी कि हमारा जो स्थलीय आवरण। स्थलीय आवरण देखिए हम देखें तो उसमें सबसे जो बेसिक चीज है आपकी सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल आप देखते हैं हमारा जो देश है किसान बाहुल्य देश भी है, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। ठीक है, तो आप जो सॉइल है उसके बिना आपका एग्रीकल्चर करना मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण है, स्टोन है, पत्थर है, आपकी रेता है, आपका जो दूसरी मोटी बालू है, उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में जो कि अति आवश्यक होते हैं किसी भी पौधे की ग्रोथ में, अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में नहीं होंगे तो उस पौधे की ग्रोथ में उसका इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा जो हमारे माइक्रो फौला फौना फ्लोरा है सॉइल में, कुछ फौनाज होते हैं जो सॉइल के लिए बहुत जरूरी होते हैं और जो इफेक्ट करते हैं हमारी प्लांट की ग्रोथ को, या किसी भी जो इकोसिस्टम में आपसी पारस्परिक संबंध होता है वो एक दूसरे के जीवन यापन के लिए आपसी संबंध होता है, अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, उसी के अलावा बहुत सी तेल की खाने, हमारा जो कोयला है, हमारी जो बहुत सी गैसें हैं जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती हैं अंडरग्राउंड सोर्सेज से, जो कि बहुत से व्हीकल के लिए हमारा ईंधन का काम करता है, एग्रीकल्चर मशीनरी में हमारा ईंधन काम आता है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज में बहुत सी मशीनें हैं जो ईंधन से चलती हैं। तो ये हमारा स्थलीय आवरण है जिसमें किस प्रकार के हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम नेक्स्ट लेयर में आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि पृथ्वी का बाकी हिस्सा जिसमें हमारे पेड़ पौधे, हमारा जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, चारा पत्ती हमारी जो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम लोग लेते हैं, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जो ह्यूमन होती है या एनिमल्स की उनके लिए हम लोग उसमें से रिसोर्सेज यूज करते हैं। उसके लिए अलावा एनर्जी बायोमास, फ्यूल वुड और फॉरेस्ट प्लांट्स अलॉन्ग विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बायोस्फीयर। ठीक है, उसके अलावा हमारा आज आप देखते हैं कि टिम्बर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि हमको इस बायोस्फीयर से मिलता है, और अदर कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज जो कि हमको बायोस्फीयर से मिल सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात नेचुरल रिसोर्सेज की। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो वह सोर्स जो बाद में क्या हो जाए, रीयूज हो सकते। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आजकल सोलर एनर्जी का बहुत सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है,
विंड एनर्जी का बहुत सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, और बायोमास। बायोमास हुआ आपका मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ठीक है, जो कि हम आगे यूज कर सकते हैं, यानी बायो प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रॉम द बायोस्फीयर। तो इस तरह के रिसोर्सेज जिनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं और इनकी हमारे लिए कमी ना हो सके। हालांकि वो बात अलग है कि अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो एक बात जहाँ पर है हमको दिक्कत आ सकती है कि इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सोर्सेस को हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। मान लिया जाए पौधों की अगर हम बात करें तो पौधे हम रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जो सूर्य से रोशनी आ रही है वो तो हमेशा रहेगी रहेगी, और उस रोशनी को हम लोग यूज करते हैं सोलर एनर्जी में, जिसको हम फर्दर जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारी हवा है, हवा से पंचक्रिया थ्रू या अन्य रूप से आपकी जो है विंड पावर हम जनरेट कर सकते हैं। उसी के अलावा जियो थर्मल एनर्जी है, जिसको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसी पानी को हम लोग दोबारा कलेक्ट करके दोबारा में डाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस एग्जांपल से सोलर एनर्जी। जैसा कि आपको चित्र में दिख पा रहा है, आजकल आपके आसपास भी बहुत से देख रहे हैं, सरकार द्वारा भी आप देखें कि सोलर प्लांट हर जगह लगाए जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। आपका आजकल दैनिक रूप से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, पानी से बनी इलेक्ट्रिसिटी। वो इसलिए क्योंकि पानी जो है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं करंट क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, तो एक तरह से कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। तो उसका अल्टरनेटिव सोर्स है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, आपको जो सूर्य से रोशनी होती है उसके हम जो सोलर पैनल्स हमारे होते हैं उसमें एकत्र होकर के उसमें पावर जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। आप आजकल बहुत सी जगह देखेंगे सोलर एनर्जी प्लांट घरों में भी लग रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादित हो रही है। अपने घर में जो बिजली लगा रहे हैं बहुत से लोग, सोलर लगा रहे हैं, सोलर वाटर हीटर लगा रहे हैं, सोलर लाइट, आपने जो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लाइट का यूज होने लगा है। आप दिन भर सूर्य की रोशनी में रखिए, शाम को आपको बल्ब जलावा मिलेगा। तो इस प्रकार से सोलर एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है विंड पावर। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि विंड पावर के जो है प्लांट लगे हुए, जो कि जिस प्रकार से सूर्य रोशनी देता है उस प्रकार से हवा भी बार बार उस पंखे से चलने से आपकी एनर्जी डेवलप करती है, ठीक। जैसा कि मैंने लिखा है, विंड इज मूविंग एयर क्रिएटेड एज द सन हीट द अर्थ सरफेस, एज लॉन्ग एज सन इज शाइनिंग द विंड रिमेन अ इनफाइनाइट रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। तो ये जो मेन सोर्सेस हैं ये आपके रिन्यूएबल फॉर्म में रहेंगे, जिससे हम बार बार बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोइंग ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको टिहरी डैम का उदाहरण दिया था अभी, कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जिस तरह से बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, टिहरी का मैंने जैसा उदाहरण दिया, उस पानी को एकत्र करके उसका फ्लो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में हम लोग डालते हैं टर्बाइन के थ्रू, बिजली उत्पन्न होती है, और ये एक साइकिल की तरह हम लोग यूज करते हैं जिससे लगातार बिजली उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। ये भी एक तरह का रिन्यूएबल सोर्सेस है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी। ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको मैं समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थ की लेयर में हम जितना डीप जाएंगे तो उसमें अंदर गर्मी एक कोर एरिया होती है जहां पर से काफी टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। व्हेन वी यूज द हीट ऑफ अर्थ टू जनरेट इट्स टू जनरेट आवर एनर्जी, इट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीनिंग अर्थ यानी कि पृथ्वी, और थर्मल मतलब हीट यानी कि ताप। तो जैसा कि चित्र के माध्यम से मैंने आपको दर्शाने की कोशिश करी है,
आजकल अब नया कॉन्सेप्ट आने लगा है, जो जियो थर्मल एनर्जी है उसको जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर हम बिजली के द्वारा ये संयंत्र चलाते हैं गर्मी पैदा करने के लिए किसी कमरे में या किसी अन्य बात में, तो इस मॉडल के थ्रू मैंने दर्शाने की कोशिश करी है कि जियो थर्मल हीटिंग पम्प के थ्रू हम किसी बिल्डिंग को हीट और कूल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बायोमास। बायोमास इज एन मटीरियल मेड बाय प्लांट्स और एनिमल दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू अ एनर्जी। बायोमास ऐसा पदार्थ या मटेरियल है जो पौधों और जीव जंतुओं के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी में उसको परावर्तित या परिवर्तित करते हैं। यह रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं पौधे लगातार पैदा होंगे उसमें, हम और पौधे लगा सकते हैं जिससे रिन्यूएबल सोर्सेज और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने बायोमास कैटेगराइज करने की कोशिश की है, नंबर वन वुड, नंबर टू क्रॉप्स एग्रीकल्चर क्रॉप एज वेल एज एनिमल वुड। वुड्स में आप जानते हैं टिम्बर का प्रयोग आप जानते हैं कि घर में आप लोग एनर्जी रिलीज करने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके अलावा अन्य रूप में भी आप लेते हैं। दूसरी चीज आती है क्रॉप्स। आजकल के समय में साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिकों ने काफी तरक्की करते हुए जो शुगर कैन है और आपका जो भुट्टा यानी कि कॉर्न के जो पेड़ पौधे हैं उससे बायोफ्यूल बनाने में मदद की है। तो इस तरह से बहुत से एग्रीकल्चर क्रॉप हैं जिसके बेस से हम लोग आगे बायोफ्यूल्स के रूप में एनर्जी को बना सकते हैं। और इनमें से एक उदाहरण है गैसोलीन, जो कि बहुत सी कार में यूज हो रहा है आज के डेट में एज एन फ्यूल। उसी के साथ साथ एनिमल वेस्ट, आपने अगर आपने देखा होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बायोगैस प्लांट भी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, जिससे आप चूल्हा जलाते हैं, तो एनिमल काउ डंग से ही वो बनता है। और इसके अलावा इस एनिमल काउ डंग का आप फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं, जो कि पौधों को या उनकी एग्रीकल्चर क्रॉप में ग्रोथ में मदद करता है। तो इस तरह से जो ये एनिमल वेस्ट है या एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया बायोमास है, शुगर केन और अन्य पौधों का जो वेस्ट है उस इनके द्वारा प्रोड्यूस किया नेचुरल रिसोर्स है, इसके साथ जो पौधों पेड़ों के द्वारा है हमारा टिम्बर है। तो इस तरह से मैंने इसको कैटेगराइज किया है, मतलब हमने इसको कैटेगराइज करते हैं कि बायोमास इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड। ठीक है, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे। नेक्स्ट हम जब आप आते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुए, जो भी जो जिनकी जगह अन्य रिसोर्सेज नहीं ले सकता, लेट से नॉन ड्यूरेबल रिसोर्सेज विच आर बी रिप्लेस्ड, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट द सेम रेट इट इज बिगिन यूज। यानी कि हमने आज अगर यूज कर लिया उसको, आज हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट उसको यूज करने में हमको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, वो तुरंत हमको नहीं मिल पाएगा। जैसे एनर्जी हमारी आज बनी पानी से, तो वैसे ही हम कल भी बना लेंगे, लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो उसको अगर हम आज यूज कर रहे हैं वो आगे बनने में, वही रिसोर्स आगे बनने में बहुत ज्यादा समय लेगा, मे बी डिकेड, 10 से 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, इस तरह के जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला, आपके नेचुरल गैसेस होती हैं, और आपके ऑयल जो कि रिन्यूएबल नहीं। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम आपको बताएं, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो जो है हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो जलते हैं तो
और जनरेट करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे वर फाउंड फॉर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलियंस ऑफ इयर्स अगो। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि काफी वर्षों बाद अपना पूरा साइकिल पूरा करने के बाद बनते हैं। कोयला बनने की प्रोसेस होती है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है, उसी तरह से आप ऑयल देखेंगे, ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो भी फॉसिल फ्यूल के, ऑयल इज लिक्विड फॉसिल फ्यूल, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इज स्टिल डीप अंडर द ग्राउंड, हमारी जमीन के बहुत डीप में हम ऑयल मिल पाता है। उसी तरह से आपका नेचुरल गैसेस हैं जो हमको नेचर से मिलती हैं और उसका कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, ठीक है। तो कोयला है, कोयला इज अ ब्लैक एंड ब्राउनिश रॉक यू बर्न कोल टू क्रिएट एनर्जी। कोयले जो बनने की प्रक्रिया है, लावा है, उसके बाद कोयला बनेगा, तमाम तरह की प्रक्रियाएं आपको पता है जो ये फॉसिल फ्यूल से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। हालांकि जो ये बर्निंग फॉसिल फ्यूल है ये पर्यावरण के लिए हार्मफुल होते हैं। व्हेन कोल एंड ऑयल आर बर्न दे रिलीज पार्टिकल्स दैट कैन पॉल्यूट द एयर, वाटर एंड लैंड। जब ये लोग, जैसा आपने देखा होगा ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इसी में से हमको बहुत से खनिज लवण, बहुत ही रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण में, हमारी वायु, हमारे जल और हमारे स्थल के लिए खतरा पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो हमारे दो कैटेगराइजेशन में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में थे। आगे हम चलते हैं, व्हाई आर नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन वुड नॉट बी सर्वाइव इन दिस अर्थ, ठीक है। इन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हमारा जीवन यापन करना यहाँ पर मुश्किल है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी दिनचर्या में अभी लाइट जलिए मैं बैठा हूँ, मेरा ये लैपटॉप चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा हो रही है? हम बिना इन रिसोर्सेज के अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन है हमारे जीवन में, कोई भी जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज एवरी डे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन 60% ऑफ रिसोर्सेज यूज है टूवर्ड्स फूड एंड ड्रिंक, मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि आपके मूवमेंट के लिए, कार्स में, आपके ट्रेन में, आपके हाउसिंग में, आपका जितना भी इंडस्ट्रीज है उसमें कितना रिसोर्सेज आपका यूज हो रहा है। तो इन रिसोर्सेज, ये रिसोर्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए कि बिना इन रिसोर्सेज के लिए हमारा जीवन यापन करना बहुत कठिन है। अब बात आती है इनकी कंजर्वेशन। भाई नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसका हमको कंजर्वेशन भी तो पता होना चाहिए। जिस तरह से पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाया जा रहा है तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पर्यावरण है, उसके बारे में हम समझें क्या क्या हमारे पर्यावरण में है और क्या क्या कंपोनेंट हैं और क्या हम उसकी कंजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। जब तक हमको उसके बारे में पता नहीं होगा तो हम उसका कंजर्वेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया पानी की हम बात करते हैं, पानी का आजकल देख रहे हैं आने वाला, बताते हैं कि विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा, तो आप समझिए जल ही जीवन है इस तरह का नारा सरकारों द्वारा दिया जाता है, तो पानी का हम कितना भी बचत कर सके वो हमारे कंजर्वेशन में आएगा, यूज लेस ऑफ वाटर। फिर उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज को जितना
जितना हमको जरूरत है हम उतना ही यूज करें, अननेसेसरी हमारा कहीं पर लाइट ना जली हो, कहीं पर हमारा जनरेटर ऑन ना हो, कहीं पर हमारा कुछ फ्रिज ऑन ना हो या अन्य चीज ना हो, तो हमें लाइट की बचत करनी है। लाइट किससे बन रही है? हमारे नेचुरल रिसोर्स है वाटर से, यानी कि कितना हम वाटर कंजर्व कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो हमको जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। अगर लाइट के अलावा जो हमारी जल से बनने वाली लाइट है, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसके अलावा हमने जैसे आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के अन्य सोर्सेज हैं, तो आज के टाइम में जो हमारा सौर ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही है, तो बहुत से लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में इंटीरियर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा के प्लांट मौजूद हैं। सरकार द्वारा तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें आपको सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर है, सोलर लाइट है, सोलर लैंप हैं, सोलर आपके डिफरेंट पैनल्स हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट भी सोलर में आ गई। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें आज की डेट में स्ट्रीट लाइट अगर लगी हुई मिलेगी तो सोलर लाइट है, दिन भर चार्ज होगी शाम को जलेगी। ये अल्टरनेटिव सोर्सेस हमको यूज करने चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज फॉर आवर लाइटनिंग इन द हाउस एंड रोड्स एवरीवेयर। आप आज की डेट में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आजकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख रहे हैं, तो वो भी इस तरीके का पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसाइकल की। रिसाइकल यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करें या ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएं जो बाद में जा करके रिसाइकल हो जाए, जिसका हम बाद में फिर से उपयोग कर सकें। उसके अलावा हमारा कंपोस्टिंग होती है, कंपोस्टिंग यानी कि उनको दोबारा यूज करते हैं। आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको जला देते हैं, आप देखें अगर उसका एक प्रयोग के रूप में, जो भी आपका जो जैविक कूड़ा आपको और जैविक और अजैविक कूड़ा आपको पता होगा, तो जैविक कूड़े को हम एक अगर गड्ढे में डाल दें तो उस जैविक कूड़े से हम खाद बना सकते हैं अपने पेड़ पौधों के लिए, हम उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। उसी के साथ जो रियूजेबल गुड्स, जैसे कि मैंने बताया कि रियूजेबल गुड्स या सामान का हमको यूज करना चाहिए, तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी है अपने नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और बिना नेचुरल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के हमारा जीवन इस पृथ्वी में करना, यानी कि क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट साइकिल है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, आपका नाइट्रोजन साइकिल है, डिफरेंट गैसेस का रिसाइकलिंग चलती है नेचर में ऑटोमेटिकली, जो नेचुरली होते रहते हैं, लेकिन हमको इसका इस तरह से उपयोग करना है कि ये एकदम खत्म ना हो और इनका हमको कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं अगर किसी की कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं।